नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब में आपका स्वागत है। यहाँ बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए 6, 7 और 8 का दिन कैसे रहने वाला है। 6 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर 8 तारीख की रात को 11:30 बजे का यहाँ ये जो पीरियड है उसके लिए यहाँ बात होने वाली है। यहाँ जो ग्रहों की हिलचाल है ये 3 दिन करीबन जो है 2.5-3 दिन उसके अंदर आपके लिए एक अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। क्यों के भाग्य स्थान में अभी सभी ग्रह आपके चल रहे हैं, चंद्र भी वहां चल रहा है, गुरु भी वहां चल रहा है, तो भाग्य का आपको एक बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। आपके छोटे भाई बहन से यहां मुलाकात हो सकती है, पड़ोसियों से आपके संबंध में अगर कुछ ना कुछ विवाद है, तकरार है, तो वो यहां हो सकती है। कोई डेयरिंग, कोई साहस अभी आप नया करने वाले हो, कोई नई यात्रा आप करने वाले हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो या विदेश की यात्रा हो या आपके घर से थोड़े दूर जाके भी ट्रैवलिंग आपको 200-200 किलोमीटर के अंदर यहाँ करने को पड़ सकता है। 3 दिन आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं क्योंकि वहाँ चंद्र के साथ गुरु विराजमान है। ये 3 दिन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंस माने जाएंगे क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए जो अभी समय चल रहा है, जो पीरियड चल रहा है, उसके हिसाब से ये 3 दिन आपके भाग्य के लिए एक नया भाग्यवर्धक, आपको एक सपोर्ट मिलेगा और छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। आपके साला सालियों से मिलने का यहाँ अवसर हो सकता है, उनसे आपके जो संबंध है उसमें एक मधुर मिठास और बढ़ सकती है। आपका जो लक्की नंबर रहेगा वो 6 रहेगा। ये दिन के अंदर 6 नंबर के अंदर आपको खास प्राधान्य देना चाहिए और बने इतना ग्रीन कलर को आपको ये 3 दिन धारण करना चाहिए। ग्रीन कलर को आपको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए।